हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में याद होगा, हमने आयरन गोलम्स को जो है बचा लिया था मॉन्स्टर के पास से। तो फिलहाल वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिन से नहीं आ रही थी माइनक्राफ्ट की, उसका रीज़न मैं अभी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर अपने कासल के अंदर चेंजेस हुई है, कासल के बाहर भी चेंजेस हुई है, तो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पर फिलहाल आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे अनलिमिटेड एक्सपी फार्म। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा अनलिमिटेड एक्सपी फार्म क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अनलिमिटेड एक्सपी फार्म क्या होता है। तो बेसिकली हमारे जो लेवल की होती है ना, जो एक्सपी होती है, वो बढ़ाने के लिए हम बनाएंगे अनलिमिटेड एक्सपी फार्म। तो फिलहाल के तौर पर आप लोग को दिखा दूँ कि जो हमारा फार्म था, इसकी साइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगी कि सारा का सारा मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जो इंक्रीज़ कर दिया इसका साइज़। और जो सबसे मेन चीज़ मैंने की है वो आप लोग को सामने दिख रही होगी कि एक चीज़ जा रही है मेरे लेफ्ट की तरफ पे। तो अभी बेसिकली ये चीज़ है क्या, तो यहाँ पर मैंने बनाया है एक रेलवे सिस्टम जो कि एक स्टेशन की तरफ जा रहा है, और उस स्टेशन के ऊपर आज हम लोग बनाएंगे अपना अनलिमिटेड एक्सपी फार्म। तो फटाफट से अपना एक्सपी फार्म बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए होंगे और कुछ हमें होपर्स चाहिए होंगे, चार होपर्स चाहिए जो कि मेरे पास फ़िलहाल के तौर पर है, मैंने बना लिया था, और बाकी हमें चाहिए कॉबल स्टोन। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और अपना जो यहाँ से जो एंट्री है ये मैंने बना लिया। हमें जाना है स्टेशन के ऊपर, तो स्टेशन की छत पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर से स्टेयर्स लगा के जो है बना लिया है। तो यहाँ पर से ऊपर जाएंगे, और फिर यहाँ जाने के बाद मुझे भागते हुए जाना है और यहाँ पर छलांग लगानी है। फिलहाल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेस बना लिया, देखो यहाँ पर एक चेस्ट लगा लिया है, और इसके ऊपर अब हमें फिट करने चारों साइड से होपर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला होपर्स फिट कर लेता हूँ। सो गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने सारे के सारे होपर्स वगैरह को जो है एकदम प्रॉपरली फिट कर दिया। अब चारों एक जो पीछे वाले दो हैं वो आगे वाले से कनेक्ट हैं, और जो आगे वाले हैं वो सीधा चेस्ट के अंदर जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने इस मेट को इसके अंदर डाला तो अब ये सीधा मुझे यहाँ पर चेस्ट के अंदर मिलेगा। तो फिर ऊपर से जो भी चीज़ें होगी वो आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, अभी आपको डायरेक्टली ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब फिलहाल मुझे यार यहाँ पर 22 ब्लॉक की पूरी बिल्डिंग बनानी, मतलब 22 ब्लॉक पूरे टोटल ऊपर की तरफ बनाने हैं। तो उसे मैं फटाफट गिन के 22 के 22 बना दूंगा, और उसके बाद मुझे ये पूरे 22 के 22 चारों साइड से कवर करने हैं। तो ये फटाफट से जो भी काम है ना सारा का सारा कंप्लीट कर लेते हैं। सो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने चारों साइड से पूरा कवर कर दिया, मतलब तीन साइड से कवर किया है, एक साइड बाकी है। और काम करते करते ना भाई रात हो चुकी है, तो फिलहाल अभी मुझे जगह की थोड़ी सी कमी आ रही है। तो सबसे पहला इस एरिया को तोड़ के यहाँ पर मुझे और थोड़े बहुत कॉबल स्टोन लगा के जो जगह है ना उसे करनी होगी परफेक्ट। तो इसे कर लेते हैं। अब फिलहाल भाई बहुत गंदा वाला गिर गया भाई, मुझे फटाफट से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज रात का टाइम है, कोई ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाएंगे, कोई भी मॉब्स आ जाएंगे तो मुझे भाई मार देंगे, और मैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत जगह बढ़ानी होगी, और मैंने यहाँ पर स्टेयर्स लगा लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ब्लॉक्स लगाने में। तो फिलहाल जितना भी एरिया मुझे बढ़ाना है और जो भी सारा बाकी का काम है उसे फटाफट कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत का काम है अभी बाकी है, बट जो भी एरिया बाकी है ना अभी मेरा सारा का सारा उसे सबसे पहला कंप्लीट कर लेते हैं। सो ओके गाइस यार, अभी मेरा फिलहाल जितना भी काम बचा होता मैंने कंप्लीट कर लिया है, पर स्लैब व्लैब लगा लिया है। अब फिलहाल यहाँ पर पिकैक्स लेके इस वाले को भी तोड़ते, मुझे पिकैक्स बनानी पड़ी थी भाई, मुझे अपने कासल से लानी पड़ी थी। फिलहाल इस साइड का जितना भी एरिया, इस वाले भी एरिया को 22 ब्लॉक से पूरा मुझे कवर करना होगा, चौथी साइड को भी, इसे भी कर लेते हैं फटाफट से। सो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैंने चारों साइड को कवर कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके का पोल नज़र आ रहा है, और सामने अपना कासल है भाई, दिखाई ही नहीं दे रहा है, इतना ऊंचाई पर हम लगा चुके हैं और बड़ा बना दिए। अभी फिलहाल मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाउंड्रीज बनानी होगी, जो कि यहाँ पर से 9 ब्लॉक्स की होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 9 के 9 ब्लॉक्स लगा के यहाँ की पूरी एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो उसे भी फटाफट से बना लूँगा भाई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, अगर ज़रा सा भी मैं चूका तो नीचे की तरफ सीधा गिर जाऊँ। सो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल एक साइड मैंने पूरा का पूरा 9 ब्लॉक्स लगा लिया है। अभी ऐसी करके मुझे इस पर पहला बाउंड्री लगानी है, और उसके बाद ऐसी करके मुझे जो है चारों साइड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ की जो भी बाउंड्री का काम है उसे कंप्लीट करता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पर लगाना है भाई, पीछे से कहीं गिर ना जाऊँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो चारों साइड है भाई, चार के चारों साइड को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगा लेते हैं, और फिर यहाँ से सारा लगा कर चारों साइड को एक बराबर फटाफट से कर लेते हैं। सो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल चारों साइड से मैंने उसे एक जैसा कवर कर लिया। अभी फिलहाल यहाँ पर भाई मैंने इस तरीके से बनाया कि ब्लॉक्स की कमी ना पड़े। तो सबसे पहले अभी हमारे पास ब्लॉक की बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत कंजूसी किया है। तो सबसे पहले इस जगह को कवर करके हमें चारों साइड से पानी डाल देना है, और पानी फ्लो होता हुआ। तो यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने की ट्राई करता हूँ, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हमें बार बार नीचे जाकर बकेट भर के फिर ऊपर लाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर वाटर डाला,
नहीं यार यहाँ पर नहीं बन रही है अनलिमिटेड वाटर। ओ भाई गिर ना जाऊँ सबसे पहले यार, साइड में आता हूँ साइड में भाई, साइड में जा इसे कलेक्ट करते हैं भाई। अब मुझे एक एक करके ही जो है वाटर बकेट लेकर जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर पानी लेकर आना पड़ेगा। तो फिलहाल रात का टाइम है, सुबह सारा का सारा काम मैं फटाफट से कर लूँगा। सो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल जितना भी वाटर का काम था मैंने चारों साइड से बराबर कर दिया है, फिलहाल कुछ इस तरीके का है। अब मुझे यहाँ पर जो है चारों साइड से बाउंड्री बनानी है, तो सबसे पहले उसके ऊपर दो ब्लॉक्स लगाएंगे। अबे ये गलत लग गया, इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ता हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर जो है चारों साइड पूरा का पूरा बाउंड्री बनानी होगी। यहाँ पर इस पर लगाया, सबसे पहला बाउंड्री बनाऊंगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, यहाँ पर हम लोग गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया ऐसे करके, मुझे हर साइड से बाउंड्री बनानी है और उसे कम्प्लीट करना है। एक और ये दो, सो ओके गाइस अभी फिलहाल जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया है। अब मुझे जो इसकी बाउंड्री वॉल का काम है उसे स्टार्ट करना है। तो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर टू ब्लॉक्स की बाउंड्री जो थोड़ी सी ऊंची रहे, तो यहाँ पर फटाफट से पूरी की पूरी बाउंड्री कंप्लीट। सो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने पूरे के पूरे दो ब्लॉक्स की जो बाउंड्री है उसे यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है। अब जो फाइनल टाइम हो चुका है जो कि हम लोग इसे ऊपर की तरफ से ढकेंगे, तो भाई ढकने के बाद फिर बहुत ज़्यादा अच्छा सीन हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़ॉम्बीज स्पॉन होंगे और फिर उन्हें वो सीधा सीधा पानी के फ्लो से नीचे की तरफ चले जाएंगे और फिर उसके बाद भाई उनकी एचपी एकदम कम हो जाएगी और उन्हें मारकर मुझे मिल जाएगी एक्सपी। तो आइडिया काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा है। तो फटाफट से यार जितना भी एरिया ना सारा का सारा है। भाई पानी कितनी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है यार, इसके ऊपर से कूदना पड़ेगा। तो सारा का सारा जो ऊपर का एरिया है इसे फटाफट से भाई ढक लेता हूँ फटाफट से। तो देखो गाइस अभी फिलहाल मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी इसके अंदर आ चुका हूँ तो देख रहे हो भाई कितना अंधेरा है यहाँ पर। ओ भाई देखो पूरा का पूरा अंधेरा। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉर्च लगा लेता हूँ, बिकॉज जब तक मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज स्पॉन हो। तो फिलहाल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ पर मैंने तीन टॉर्चेस यहाँ पर लगा लिया और एक ज़रूरी काम रह गया है, इसके लिए यहाँ पर इसे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर चढ़ पाऊँगा कि नहीं एक बार ब्लॉक्स लगा देते हैं, नहीं चढ़ सकता हूँ इसके लिए मुझे वाला भी तोड़ना पड़ेगा। पीकेस लेते हैं, इस वाले को भी तोड़ते हैं, उसके बाद मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर गाइस मैंने मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रो प्लेयर्स रहते हैं वो लोग यही करते हैं, यहाँ पर भी टॉर्चेस लगा देते हैं ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो अंदर स्पॉन हो। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास जितनी भी टॉर्चेस पड़ी हैं सारी की सारी यहीं पर लगा दूंगा, एक एक कॉर्नर पर लगा दिया। अब एक काम करता हूँ, एक को इस वाले कॉर्नर पर लगा देता हूँ, इस वाले पर लगा दिया। अब एक को एक काम करता हूँ इस बीच वाले पर लगा दिया। ओके गाइस फिलहाल इतनी काफ़ी है, इतनी टॉर्चेस मेरे पे ही थी। उसके बाद अब एक काम करते हैं नीचे की तरफ चलते हैं और ये जो एरिया है ना इसे पूरा का पूरा ढक देंगे। फिलहाल नीचे की तरफ चलते हैं, भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है बिकॉज बीच में एक ब्लॉक है। तो मैं नीचे तो आ चुका हूँ, चलो मैं नीचे आ चुका हूँ। अभी इसे एक काम करते हैं पूरा का पूरा ढक देंगे, इसे पहला तोड़ देते हैं थोड़ा। अभी इस पर यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देंगे। यहाँ पर क्या सीन हुआ, यहाँ पर कुछ तो हुआ, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर इसे तोड़ लिया। तो फिलहाल गाइस अभी फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर ये जो चार ब्लॉक्स थे इन चार के चारों ब्लॉक्स को मैं यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर चार के चारों ब्लॉक्स को फटाफट से तोड़ देते हैं। अब फिलहाल के टाइम पे देखो यहाँ पर इसे तोड़ देता हूँ। अभी यहाँ पर हमें पूरा अंधेरा करना है, इस वाली टॉर्च को भी तोड़ लूँगा और फिर सामने। ओ भाई मैं अंदर ना चला हूँ, चलो इस वाली टॉर्च को भी तोड़ लूँगा। भाई टूटना टूट, चल इस वाली को भी तोड़ लिया। अभी ये वाली लास्ट बची है इसे भी तोड़ के मैं अंदर चला जाऊँगा, बिकॉज जो भी चीज़ें मेरी मिलेगी मतलब मुझे मेरे पेटी में ही मिलेगी और वैसे भी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरी एचपी एकदम से कम हो जाएगी। अब यहाँ पर से ओ भाई गिर गया कुएं में, देखो कितनी कम एचपी बची है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करेगा, मैं नीचे से आके उसे उन लोगों को मार दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ से तोड़ के अपना बाहर निकल जाते हैं। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा का पूरा जो अपना एक्सपी फार्म बनाया, अब जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे एक्सपी कलेक्ट करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या होगा। सामने एक्सपी फार्म दिख रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।